हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लाया हूँ आरएसआई पे। बड़ी सिंपल और बड़ी आसान स्ट्रैटेजी है। इसको हम स्लो आरएसआई विद फास्ट आरएसआई कर सकते हैं, या हम इसको आरएसआई क्रॉसओवर के नाम से भी जानी जाती है। बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है और स्विंग ट्रेड में बड़ा आसान होता है इस पर स्विंग ट्रेड पकड़ना। ठीक है, तो जनरली आप किसी और पोर्टल पे जाएंगे, इन्वेस्टिंग वगैरह में जाएंगे, तो शायद वहाँ पे ये बनाना डिफिकल्ट होगी। तो मैंने आपको एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, इस पर मैं आपको सिखाऊंगा। आजकल इस तरह का बहुत सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर हैं जिस पे आप इस स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। आपको कोई सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है इस स्ट्रैटेजी के लिए। आप सिंपली एक काम कीजिएगा कि सपोज़ ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और 30 मिनट का चार्ट है मेरा। मैं यहाँ पर जाऊँगा, बात करूँगा आरएसआई पे। यहाँ मैंने आरएसआई लगाया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये पहले से ही हमें आना चाहिए, तभी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। तो छोटा सा क्विक लुक दे देता हूँ। ये मेरा ओवरबॉट 80, मेरा ओवरबॉट जोन होता है आरएसआई में, और ओवरसोल्ड जोन कौन सा होता है मेरा 20 का, जैसे इस पे आ रहा है। पीरियड कितने आ रहे हैं, 14 पीरियड। पर इस स्ट्रैटेजी की कंडीशन है कि एटलीस्ट मैं 25 पीरियड यूज़ करूँगा आरएसआई पे। अप्लाई किया मैंने तो मेरा ये आरएसआई लग गया यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करूँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लूंगा मूविंग एवरेज। तो दिस इज बेसिकली स्मूथिंग द आरएसआई। हम आरएसआई का मूविंग एवरेज चेक कर रहे हैं। अब मैंने मूविंग एवरेज लगाया तो बाय डिफॉल्ट ये इधर लग गया, ठीक है ना। तो ये मूविंग एवरेज किसका हो गया, प्राइस का हो गया, पर मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए मुझे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, यहां पे आना पड़ेगा। 50 पीरियड का आ रहा है, स्ट्रैटेजी क्या है, 25 आरएसआई विद 10 पीरियड मूविंग एवरेज। इसका ध्यान रखना हमें। फील्ड हमें चूज क्या करनी है, आरएसआई। हमें आरएसआई फील्ड को चूज करना है। देन आपकी चॉइस है, आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर सकते हो। तो जनरली मैं एक्सपोनेंशियल पे काम करता हूं, तो मैंने एक्सपोनेंशियल प्लेस करा, देन अप्लाई करा। तो ये देखेंगे मेरा ये मूविंग एवरेज किधर आ गया, इधर आ गया। अब ये मूविंग एवरेज मेरा कौन सा है, आरएसआई का। तो इस रेड कलर की लाइन को मैं कह सकता हूं स्लो मूविंग एवरेज और अबव स्लो आरएसआई, और जो व्हाइट कलर में लाइन आ रही है ये फास्ट आरएसआई, इसको मैं ये कह सकता हूं। तो अब मैं दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रेड जनरेट होंगे मेरे, मैं इसको ले सकता हूं। तो सी यहां पे देखेंगे, ये इसने मुझे क्रॉस दिया यहां पे। तो जब भी आरएसआई ये रेड कलर के लाइन को कट करके ऊपर के लिए आएगी, जस्ट सिंपल मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स पे हम जैसे काम करते हैं, कि यानी कि जब फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को अबव के लिए कट करती है तो बाजार में बाय जनरेट होता है, वाइस वर्सा। अगर फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे के लिए कट करती है तो सेल सिग्नल जनरेट होता है। तो जैसे यहां पे मैं इसको थोड़ा सा यहां पे देखेंगे, इसको प्राइस चार्ट से समझने से पहले मैं इसको थोड़ा सा दिखा दूं। यहां पे मेरा क्या जनरेट हुआ है, यहां पे मेरा बाय सिग्नल जनरेट हुआ। ये आरएसआई ने इस रेड कलर के लाइन को, जो कि मेरी स्लो आरएसआई है, उसको कट किया, तो दिस इज कॉल्ड बाय सिग्नल, ठीक है ना। यहां पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, तो इसको मैं चार्ट में दिखाऊंगा। सी दैट द मोमेंट, कितना बढ़िया मोमेंट पकड़ा, कितना अच्छा स्विंग पकड़ा इसने, ठीक है ना। सी सेम स्विंग हेयर, कितना ब्यूटीफुल स्विंग पकड़ा आपने, आपने देखा ये। तो ये स्विंग ट्रेड पकड़ने के लिए बहुत काम होता है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है ये। आप इसको 15 मिनट में भी यूज कर सकते हैं, 30 मिनट में भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इन द 5 मिनट ऑल्सो। बट 5 मिनट में छोटा ही ट्रेड मिलेगा आपको। मैं यहाँ पे भी एक बार इलाबोरेटली करके दिखाता हूँ आपको, ये मैं दिखाता हूँ आपको। सी हेयर, यहाँ मेरा सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है, क्योंकि फास्ट आरएसआई ने स्लो आरएसआई को, यानी कि जो आरएसआई का एवरेज है, उसको ऊपर से नीचे के लिए कट कर, तो दिस इज सेल। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। तो ये सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है। अब हम इसको इधर देखेंगे, सी। तो एक अच्छा मूवमेंट मिला मुझे, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिला है। 5 मिनट के चार्ट पे 100 पॉइंट से ऊपर का मूवमेंट मिला, आप देखेंगे इधर चेक करेंगे। सिमिलरली यहां पे देखेंगे क्या हुआ है, यहां पे उसने बाय के सिग्नल दिए मुझे, सी है बाय के सिग्नल। 5 मिनट के चार्ट पे
बहुत अच्छे ट्रेड दे रहा है, पर जनरली अगर आपको उसको यूज करना है मैं एडवाइस करूंगा एटलीस्ट 30 मिनट का चार्ट होना चाहिए एक स्विंग ट्रेड पकड़ने के लिए, एटलीस्ट 30 चार्ट होना चाहिए। वैसे तो माना यह जाता है कि 1 आवर का चार्ट होना चाहिए टू फाइंड आउट द स्विंग्स इन द मार्केट, बट ठीक है मार्केट हर वक्त एक समय जैसा नहीं रहता है, यानी कि कभी वोलाटाइल होता है, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, कभी साइड वाइज होता है, कभी लो वोलाटिलिटी हो जाती है मार्केट में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने टाइम फ्रेम्स को चेंज कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं, 30 मिनट भी कर सकते हैं। आइडियली ये स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन द 1 आवर चार्ट, तो एटलीस्ट 1 आवर का चार्ट होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ पूरी स्ट्रैटेजी को कि मैंने क्या किया, इधर गया मैं RSI यूज करा 25 का, जब मैंने मूविंग एवरेज लगाया तो इसका फील्ड क्या चूज करा, RSI, अदरवाइज वो कभी ड्रैग एंड ड्रॉप हो ही नहीं पाएगा और वो गलत इंटरप्रिटेशन आ जाएगी और गलत इंडिकेटर बताने लगे। तो बेस्ट है आप यहाँ से फील्ड चूज करें मूविंग एवरेज में जाके, तब ये लाइन आपकी इधर लग जाएगी, देन आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। चलिए मेरा आज ये RSI क्रॉसओवर का स्ट्रैटेजी था, नेक्स्ट टाइम मैं आपको कोई और नई स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, सिंपल स्ट्रैटेजीज लेके आऊँगा। चलिए थैंक यू वेरी मच।